शेयर बाजार एक नज़र में। कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे इतने पैसे जमा कर पाती हैं? जवाब है शेयर बाजार। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपने छोटे छोटे हिस्से बेचकर पैसे इकट्ठा करती हैं, और हम जैसे आम लोग ये हिस्से खरीदकर उस कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं। इन्हीं हिस्सों को कहते हैं शेयर। शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी में पैसा लगाना। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है, आपके शेयर की कीमत भी बढ़ती जाती है और आपको फायदा होता है। ये एक ऐसा जरिया है जिससे आप भी देश की तरक्की में अपना हाथ बटा सकते हैं और अपना भविष्य संवार सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, शेयर बाजार में थोड़ा रिस्क तो होता ही है। ये समझना जरूरी है कि बाजार में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, इसलिए पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी और सोच विचार बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में पैसा लगाना एक कला है जिसे सीखकर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आइए इस नई दुनिया में कदम रखें और अपने पैसों को बढ़ने का मौका दें। डीमैट खाता आपकी प्रवेश टिकट। शेयर बाजार में एंट्री के लिए आपके पास एक डीमैट खाता होना चाहिए। ये बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट की तरह होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप पैसे की जगह शेयर रखते हैं। डीमैट खाता खुलवाना बहुत आसान है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी बैंक या स्टॉक ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन डीमैट खाता खोलने के लिए आपको बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी अपलोड करनी होती है। डीमैट खाता खुलते ही आप आसानी से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ये एक सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है शेयर बाजार में पैसा लगाने का। डीमैट खाता खुलवाते समय ब्रोकरेज चार्ज और बाकी खर्चों को जरूर देख लें। कुछ ब्रोकर नए लोगों को स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। एक बार आपका डीमैट खाता खुल गया तो आप शेयर बाजार में खेलने के लिए तैयार हैं। निवेश का पहला कदम, कुछ जरूरी बातें। शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये देखें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितने पैसे लगाना चाहते हैं और कितना नुकसान सहन कर सकते हैं। दूसरा, ये तय करें कि आप पैसा क्यों लगा रहे हैं, आपको कितने समय में कितना फायदा चाहिए। क्या आप लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं या फिर जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं। तीसरा, खुद भी थोड़ी रिसर्च करें, कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उनका पिछला रिकॉर्ड देखें और आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाएं। शुरुआत में थोड़े पैसों से शुरुआत करें। जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता है, आप धीरे धीरे ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। पैसा लगाने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना भी अच्छा रहता है, वो आपकी स्थिति और आपके लक्ष्यों को समझकर आपको सही सलाह दे सकते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव, डरे नहीं, समझें। शेयर बाजार तो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ये तेजी से बढ़ता है तो कभी अचानक गिर जाता है। इन उतार चढ़ावों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें समझने की जरूरत है। जब बाजार नीचे गिरता है तो उसे खरीदने का मौका समझें। ऐसे समय में अच्छे शेयर सस्ते में मिलते हैं, ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। हमेशा लंबे समय के लिए सोचें। शेयर बाजार में लंबे समय के लिए पैसा लगाने पर आपको अच्छा फायदा होने के चांस ज्यादा होते हैं। छोटी मोटी गिरावट से परेशान न हो, समय समय पर अपने शेयर देखते रहें और जरूरत पड़ने पर कुछ बदलाव कर लें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते रहें। याद रखें, शेयर बाजार रेस नहीं है बल्कि मैराथन है। धैर्य और संयम रखें और आप जरूर कामयाब होंगे। सेक्शन 5, सीखना कभी न छोड़ें, ज्ञान ही आपकी ताकत है। शेयर बाजार हमेशा बदलता रहता है, यहाँ हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए सीखना कभी बंद मत करो। हमेशा नई जानकारी इकट्ठा करते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। किताबें पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, वेबसाइट देखो और एक्सपर्ट्स के वीडियो देखो। शेयर बाजार से जुड़े सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करो, दूसरे लोगों से बात करो, उनके तजुर्बों से सीखो और अपनी राय भी शेयर करो। सोशल मीडिया पर शेयर बाजार के ग्रुप्स ज्वाइन करो, नए तरीकों से पैसे लगाने के बारे में जानो, टेक्निकल चीजें समझो और बाजार के ट्रेंड पर नजर रखो। याद रखें, जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ही बेहतर आप पैसा लगा पाएंगे और अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। सेक्शन 6, धैर्य और संयम सफलता की कुंजी। शेयर बाजार में जल्दी अमीर बनने का कोई तरीका नहीं है, यहां रातों रात अमीर बनने का सपना देखना बेकार है। शेयर बाजार में सफलता के लिए धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। जब आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो आपको लंबे समय के लिए सोचना होगा। शुरुआत में आपको ज्यादा फायदा न हो
लेकिन धैर्य रखें और अपने निवेश पर टिके रहें। बाजार के उतार चढ़ावों से घबराकर जल्दबाजी में फैसले न लें, शांत रहें और सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। याद रखें, शेयर बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग धैर्य और संयम से काम लेते हैं वही आखिर में जीतते हैं। सेक्शन 7, छोटी शुरुआत बड़े मुनाफे। शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं। आजकल कई ब्रोकर आपको कम से कम 100 रुपये में भी शेयर खरीदने देते हैं। शुरुआत में कम पैसे लगाने से आपको बाजार को समझने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ेगा आप धीरे धीरे ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। रेगुलर पैसे लगाते रहें, हर महीने एक निश्चित रकम शेयर बाजार में डालें, इससे आपको लंबे समय में अच्छा फायदा होगा। छोटी शुरुआत करके भी आप शेयर बाजार में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। जरूरत है तो बस धैर्य, संयम और सही रणनीति की। सेक्शन 8, निवेश के विभिन्न रास्ते। शेयर बाजार में पैसा लगाने के कई रास्ते हैं। आप सीधे शेयर खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं या फिर ETF का विकल्प चुन सकते हैं। सीधे शेयर खरीदना उन लोगों के लिए ठीक है जिन्हें अच्छा तजुर्बा है। इसमें आपको खुद रिसर्च करनी होती है और कंपनियों का चुनाव खुद करना होता है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना थोड़ा कम रिस्की होता है। इसमें आपका पैसा अलग अलग शेयरों में लगाया जाता है जिससे रिस्क कम हो जाता है। ETF भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, लेकिन इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की तरह खरीदा और बेचा जाता है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका लक्ष्य क्या है और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब के आधार पर आप अपने लिए सबसे सही ऑप्शन चुन सकते हैं। सेक्शन 9, विशेषज्ञों की सलाह, आपका मार्गदर्शन। शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। वो आपकी स्थिति, आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपके लक्ष्यों को समझकर आपको सही सलाह दे सकते हैं। एक अच्छा एक्सपर्ट आपको बाजार के उतार चढ़ावों से निपटने में मदद करेगा, आपके शेयर देखेंगे और जरूरत पड़ने पर कुछ बदलाव करने को भी कहेगा। वो आपको अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बताएगा, उनके फायदे और नुकसान बताएगा और आपके लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने में आपकी मदद करेगा। याद रखें, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपका दोस्त, शुभचिंतक और मार्गदर्शक होता है जो शेयर बाजार में आपको सही रास्ता दिखाता है। सेक्शन 10, शेयर बाजार समृद्धि का द्वार। शेयर बाजार आपके सपनों को पूरा करने का एक जबरदस्त मौका देता है। ये आपको देश की तरक्की में अपना योगदान देने का भी मौका देता है। ये सच है कि शेयर बाजार में रिस्क होता है, लेकिन सही जानकारी, सही तरीके और धैर्य के साथ आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं और अच्छा फायदा कमा सकते हैं। छोटी शुरुआत करें, सीखते रहें, धैर्य रखें और एक्सपर्ट्स की सलाह लें।